तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रुपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे अमेजन से, हम किस तरह से कैसे कपड़ा आर्डर करें। कपड़ा आर्डर करना होता आसान है, लेकिन यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अमेजन पे नए हैं, जो डरते हैं कि यहाँ मतलब कहीं कपड़ा छोटा ना आ जाए, बड़ा ना आ जाए, या तरह तरह की जो डर है मन में सब खत्म होगी। पूरी सावधानी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कपड़ा वगैरह आर्डर कर पाएंगे अमेजन के मदद से, पेमेंट वगैरह कैसे करना है, कैसे एड्रेस भरना है, सब कुछ आपको अच्छे से बताऊंगा। चलिए देर क्यों करते हैं, कमाल स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूंगा, यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे भाई बहन को पता भी होगा कैसे बुकिंग करना है, वो लोग मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं और जो लोग सीखना चाहते हैं इस मेरी वीडियो को पूरा पूरा वॉच करके सीख लीजिए कैसे हम अपने अमेजन से कपड़ा वगैरह ऑर्डर करेंगे। चलिए देर क्यों करेंगे, कमाल की वीडियो स्टार्ट करते, समझते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्क्रीन लगाया जैसा कि आप देख रहे हैं, आइए हम सीखते हैं कि किस तरह से हम अमेजन पे कपड़ा आर्डर करें। ठीक है, कपड़ा आर्डर करना आसान होता है, लेकिन मेन बात होती है ना साइज वगैरह की, तो हमें सब कैसे सेलेक्ट करें आइए मैं पूरा तौर तरीका आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अमेजन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे हमको कपड़ा आर्डर करना है तो सिंपल है, जैसे आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं जो भी लोग हैं तो आप अपने अनुसार कपड़े को यहाँ पर सर्च कर लीजिए, जो ऊपर लिखा है सर्च अमेजन इन। ठीक है, इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि आप यदि अमेजन पे नए हैं तो जब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना तो अकाउंट बनाने को मांगेगा, तो अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, अपना नाम दीजिएगा, अकाउंट आपका बन जाएगा। यदि पहले से बना रखे हैं तो इस तरह से ऑप्शन आपको दिखेगा, यदि नए होंगे तो आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस देख के आपको यहाँ पे आईडी बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, अब आपको यहाँ पे सर्च कर लेना आपको जो भी कपड़ा लेना हो, जैसे मुझे लेना है जीन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया JEANS। ठीक है, मैंने जीन्स और फॉर मैन, ठीक है, मैंने सर्च किया। यदि आप वुमेन हैं तो वुमेन के लिए कर सकते हैं, जिस तरह से आप है ना यहाँ पे लिख दीजिएगा जीन्स फॉर मैन, आप लिख लीजिएगा जीन्स फॉर वुमेन या जीन्स फॉर फीमेल, इस तरह से आप लिख लीजिएगा जो भी कपड़ा है या कुर्ती वगैरह जो भी आप यहाँ से सर्च कर लीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए नीचे अच्छे अच्छे यहाँ पे जो भी जीन्स वगैरह हैं दिखाई देगा, आपको जो वाला पसंद आता है उस पर क्लिक करिए। जैसे मुझे यदि यहाँ पर बात करें तो ये वाला काफ़ी शानदार लग रहा है जो 759 रुपये का, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर हमको कुछ फोटोज मिलता है, इस फोटो को ऐसे स्वाइप करके लेफ्ट राइट करके ना आप फोटो वगैरह पूरा अच्छे से देख सकते हैं कि लुक किस तरह से दिखेगा, इस तरह से आप इसको चेक कर लीजिए। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन मिलेगा कि आपको इसमें से कौन सा कलर, मॉडल यही रहेगा लेकिन कलर अलग अलग मिल सकता है, आप इसमें से कौन सा कलर लेना चाहते हैं आप कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। मेन बात आती है नीचे सेलेक्ट साइज का, आप अब आपके यहाँ साइज यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपकी कमर कितनी है, कमर की साइज सेलेक्ट करना है। तो जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पे 32 इंच का फिट आता है तो मैं 32 पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, आपकी जो कमर हो आप अपने कमर के अनुसार यहाँ पे फिट कर दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है और नीचे आना होगा। ठीक है, और यहाँ पे पहले एक सेलेक्ट कर लीजिए जो वाला आपको लेना है। ठीक है, तो मुझे यही वाला लेना है तो मैं यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मैंने कलर भी सेलेक्ट कर लिया, इंच यहाँ पे अपना कमर भी सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस कुछ दिखने लगेगा, और अब हमको क्या करना है यहाँ पे नीचे देखिए डिलीवर टू जहाँ लिखा है यहाँ पे, यदि आप पहले से एड्रेस दे रखे हैं तो यहाँ पे दिखाएगा, यदि नहीं दे रखे हैं तो आप यहाँ पे एड्रेस अपना ऐड कर लीजिए, और यदि बदलना चाहते हैं इस पर टैप करिए, और टैप करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे एक एडिट एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके एड्रेस भी बदल लीजिए, और नहीं तो वही रहने देना चाहते तो वही रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है यहाँ से आपको आप इसका पेमेंट क्या कर सकते हैं, चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नहीं तो UPI से कर सकते हैं अपना ATM वगैरह ऐड करके, और नहीं तो यदि यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रहता है तो अभी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम कोरोना है तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, हो सकता है आप में दिखाए तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह से अपना पूरा डिटेल्स भर के पेमेंट जैसे ही करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट आपका हो जाएगा, OTP आएगा, OTP फिल कर दीजिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा, आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। जैसे ऑर्डर बुक हो जाएगा आपको कैसे चेक करना है कि ऑर्डर बुक हुआ या नहीं हुआ, तो आपको इसके लिए यहाँ पे नीचे 3 लाइनिंग दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर ऑर्डर्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो आप सामान बुक किए रहेंगे फर्स्ट पे दिखाई देगा पहले, फिर इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैंने एक सामान यहाँ पे बुक किया हूँ तो इसके बाद पूरा डिटेल दिखा देगा कब डिलीवर होगा कैसे कैसे क्या, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आती है वीडियो को लाइक प्लीज जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।